नमस्कार उत्तराखंड, मैं भावना और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और डेट जो है आज 11 अक्टूबर, और टाइम अभी हो रहा है 9:30 बज गए हैं, और ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है कल की तरह, मतलब मैंने और नताशा ने कर लिया है। और मम्मी लोग जो हैं खेत में गए हुए थे, तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। और उसके बाद अभी मम्मी पापा लोग ने नहाया वगैरह नहीं है, भैया ने भी, क्योंकि वो काम कर रहे थे खेतों का। और अभी जस्ट आगे भैया ने जो है पापा की हेयर कटिंग करी है ट्रिमर से, क्योंकि कोरोना की वजह से वो पापा मार्केट से नहीं कटवा के लेके आते हैं, घर पे ही काटते हैं इसलिए। और तो अभी हम आए हैं छत पे, हमें लगाने हैं पॉट्स में फ्लावर, क्योंकि काफ़ी सारे पॉट्स में जो है हमारे फ्लावर जो है सूख गए थे, तो तब से फ्लावर लगाए नहीं थे, तो इसलिए आज हम फ्लावर लगाएंगे अभी मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि फिर कब बिज़ी हो जाते हैं ना बार बार, और कब से सोच रहे हैं कि फ्लावर लगाएंगे, क्योंकि हमने जो अदर पॉट्स में ना गेंदे के फूल सुखा के रखे थे, उनके बीज हमने बोए हुए थे, तो उस गेंदा जो है हमारा गेंदे के जो छोटे छोटे फ्लावर हैं वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, तो इसलिए बस वही लगाने हैं हमको। लेके आई हाँ, तो उसको निकाल दो, जाओ निकाल लेना, जाओ। जिज्ञासा हाय बोल रही थी, और तो इसलिए अभी नहीं, देखो सर की लाइनिंग आ रही है ना, धूप भी पड़ रही है। वैशु गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? वैशु भी जो है छत पे आई है, और तो क्या कहते हैं उसके जो हमारे गेंदे के जो प्लांट है ना, छोटे छोटे फ्लावर हैं, काफ़ी अच्छे उर्खे हैं, तो वो ही हम लगा रहे हैं। वैसे तो हम कल शाम को ही लगाने वाले थे, हमने सब कुछ रेडी करके रखा था, मतलब खाद भी हम ले आए थे और मिट्टी भी ले आए थे खेत से, लेकिन जो है टाइम काफ़ी हो गया था, 6:30 हो गए थे, तो इसलिए हमने जो है फिर लगाया नहीं, मम्मी ने मना कर दिया था, मम्मी ने बोला कल लगा लेना, तो हमने छोड़ दिया था। और आज संडे है ना, तो वैशु लोग की ऐसी मस्ती चल रही है। वैशु इधर आओ, तो ये देखिए बच्चों के दिन जिस दिन संडे होता है ना, उस दिन ट्यूशन की इनकी आज छुट्टी है, तो सुबह से खेलने में है। वैशु ऐसे मत करो, गिर जाओगे। चलो फ्लावर लगाएंगे, तो चलिए फिर। और धूप भी जो है काफ़ी अच्छी आ रखी है, मौसम जो है अच्छा हो गया है, और वैसे भी सुबह शाम जो है ठंडा हो रहा है, मैं आपको रोज़ ही बताती हूँ। वैसे भी अब सब जगह जो है ठंडा वैसे होने लग गया है, क्योंकि जो खतड़वे का त्यौहार होता है उसके बाद से जो है ठंड का मौसम जो है स्टार्ट हो ही जाता है, तो लगभग सभी के वहाँ अब ठंडा होने लग गया है। मैं यूट्यूब पे सबकी वीडियोस देखती हूँ, तो सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि ठंडा स्टार्ट हो गया है। तो चलिए फिर अपना फ्लावर्स लगाने का काम स्टार्ट करते हैं। पॉट हमारे जो खाली हैं उनमें हमने पहले मिट्टी वगैरह खाद वगैरह डालनी है, फिर हम फ्लावर्स लगाएंगे। तो ये देखिए हमने काम शुरू नहीं किया है, ये दोनों पहले काम में लग जाते हैं, वैष्णवी और जिज्ञासा। हम जो भी इस टाइप का कोई भी काम करते हैं, चाहे मैं हूँ, मम्मी है या सिस्टर है, तो ये आपको हर जगह ऐसे ही काम करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर हमने कल शाम को ही जो है खाद और मिट्टी खेत से लेकर दोनों को हमने जो है अच्छे से मिक्स कर लिया था। और जो ये खाली पॉट है ना, वो भी मैंने बाहर साइड से जो है कॉटन के गीले कपड़े से साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि छोटे छोटे पॉट्स जो हैं बाहर की साइड से गंदे हो रहे थे, तो अब हम इनमें जो है फटाफट से पॉट्स को जो है मिट्टी से फिल कर लेंगे। और यहाँ पर आपको जो सामने में पॉट्स में जो है लंबे लंबे जो प्लांट्स दिख रहे होंगे ना, फूल लगे हुए हैं, तो नताशा बोल रही थी कि इनको भी निकाल देते हैं, तो इनमें जो है ना कली आई हुई थी, तो मैंने बोला रहने दे, छोड़ दे अभी इनको, बाद में देखेंगे, अगर फूल खिल गए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये पाती के फूल हैं और इनको जो है काफ़ी स्पेस चाहिए होता है, तो इसमें जो है ना ये पीले पड़ गए थे, लेकिन इनमें जो है कली आ गई थी, तो इसलिए मुझे इसको निकालने जैसा लगा नहीं, तो हमने कहा चलो इसको छोड़ देते हैं। और ये जो पॉट्स में गेंदे के फूल लगे हुए हैं, इनमें भी जो है कली आई हुई थी, लेकिन इन नीचे से ख़राब हो गए थे, तो मैम ने बोला कि चलो इसमें नए फ्लावर लगा देंगे, तो हमने सब इसको जो है निकालना स्टार्ट कर दिया था मैंने, कि हम इसमें जो है अच्छे से लगा देंगे फ्लावर का। यहाँ पर वैशु और जिज्ञासा जो है काफ़ी हेल्प करने में लगे हैं, ऐसे काम करने में इन्हें काफ़ी मज़ा आता है, चाहे कितना भी इनसे मना करो मानते ही नहीं हैं, शायद इनको भी अच्छा लगता है तभी करते हैं। खैर बचपन में तो अच्छा लगता है सभी को ऐसा काम करने में, क्योंकि अभी छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो तब मन नहीं करेगा। हम भी ऐसा ही करते थे बचपन में, ये बचपन के शौकीन वाले काम हैं।
सारे पॉट्स में जो है हमने मिट्टी भर ली है, और जितनी मिट्टी बची हुई थी तो ये बाकी जो गमले हैं उनमें मिट्टी और खाद कम हो रही थी तो ये हम उनमें डाल देंगे। और ये देखिए हमने दिवाली की तैयारी के लिए काफ़ी सारे गमलों में जो है गेंद के फूल के बीज बोए हुए थे जो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो अब हम इनमें से कुछ कुछ फूल निकाल कर हर एक गमलों में से उन छोटे छोटे पॉट्स में लगा देंगे जो जिनमें हमने मिट्टी भरी हुई है। और हमारे वहाँ पर ये जो गेंदे के फूल हैं दिवाली के टाइम पर काफ़ी अच्छे से खिल जाते हैं। हम हर साल इसी टाइम पर जो है अपने घरों के छतों के गमलों में जो है गेंदों के फूल लगा देते हैं और छोटी छोटी क्यारियों में भी लगा देते हैं जो हमारे घर के आगे से हैं, क्योंकि दिवाली में गेंदे के फूलों की काफ़ी सारी ज़रूरत होती है और गेंदे के फूल जो हैं दिवाली में घरों की शोभा को बढ़ाते हैं। हम लोग दिवाली में गेंदे के माला ही लगाते हैं मंदिरों को सजाने के लिए और घरों को सजाने के लिए, काफ़ी सारे गेंदे के फूल हो जाते हैं हमारे छत पर। लेकिन इस बार शायद हम लगाने में थोड़ा लेट हो गए हैं, शायद पता नहीं इस बार दिवाली तक जो है गेंदे के फूल अच्छे से खिल भी पाएंगे या नहीं, देखते हैं। चलो फिर भी लगा देते हैं। और हमें गेंदे के फूल जो है मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, हमारे छतों पे काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। और वैसे भी आपको पता ही है कि दिवाली के टाइम पर गेंदे के फूल जो हैं इनकी मालाएं और कितनी महंगी मिलती हैं, इसलिए हम ये दिवाली के लिए ही स्पेशली फूल लगा रहे हैं गेंदे के। और यहाँ पर पॉट्स में जो है वैशु और जिज्ञासा ने जो है हल्का हल्का पानी डाल दिया है जिससे मिट्टी गीली हो जाए और फूल लगाने में जो है आसानी हो जाए। तो चलिए फिर फटाफट से फूल लगा देते हैं सारे पॉट्स में जितने भी हमारे खाली पॉट्स हैं। और यहाँ पे जो है वैशु गिर गई थी, काफ़ी तेज़ दौड़ के आ रहे थे, आपने देखा ही होगा दोनों ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन बार बार मना करने के बाद भी बात नहीं मान रहे थे तो चोट वैसे नहीं आई, थोड़ी सी हल्की सी लग गई थी। क्योंकि हम लोग ना पॉट्स को जो है वहाँ पे छाया में रख रहे थे क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप थी और क्या कहते हैं तो जो फूल जो है मुरझा गए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि पॉट्स को पहले छाया में रख देते हैं सारे गमलों को और उसके बाद से जो है उनमें पानी डाल देंगे। तो इसीलिए हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे, ये दोनों के दोनों जो हैं हम करेंगे इनको ऐसा रहता है, तो इसीलिए उस चक्कर में जो है गिर गई है। बट कोई नहीं, अब ठीक है वैशु, ज़्यादा चोट नहीं आई, थोड़ी सी हल्की सी लगी है। तो अब हम यहाँ पे जो है पॉट्स में सारा पानी दे देंगे अच्छे से जितने भी हमने गमलों में लगाए हैं फूल। और ये देखिए यहाँ पर भी जो है वैशु और जिज्ञासा ही पानी दे रहे थे, मैं दे रही थी तो उन्होंने मुझे देने नहीं दिया। तो देखिए वैशु ठीक है, अब इसको हंसाने के लिए ना मतलब रोएगी नहीं, चुप हो जाएगी जल्दी से करके, तो मैंने इसको खूब सारा हंसाया था, आपने देखा होगा मैंने इसे पकड़ के। तो चलिए फिर यहाँ पे जो है मेरे सारे पॉट्स रेडी हो चुके हैं, इनमें हम पानी दे देंगे और फिर शाम को जो है इनको हम वहाँ छत पे रखेंगे क्योंकि अभी काफ़ी तेज़ धूप है तो ये पूरी तरह मुरझा जाएंगे। तो इसमें पानी डाल के अभी हम इनको यहीं पर ही रखेंगे और जितना भी वहाँ पे कूड़ा वगैरह हो रहा था वो हमें सब समेटना है, साफ़ करना है, तो वो क्लीनिंग अब हम करते हैं फटाफट से। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं सुबह से अब वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। ऊपर फ्लावर लगाने के बाद जो है क्लीनिंग करी, उसके बाद से जो है गेहूँ डाले और फिर नीचे आ गए थे रूम पे क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी ना, बहुत धूप लग गई थी। फिर उसके बाद से जो है, आज तो संडे था, ऑनलाइन क्लासेस थी नहीं बच्चों की, लेकिन कल से जो है बच्चों के
ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हैं तो ना उसकी प्रिपरेशन में लग गई थी, फिर थोड़ी वीडियो एडिटिंग करी और उसके बाद से जो है लंच का टाइम हो गया। लंच मम्मी ने बना दिया था क्योंकि हमें दिन में ऐसे ही स्कूल का ही काम रहता है ना, तो ज़्यादातर मम्मी बना देती है। और फिर उसके बाद से लंच किया, क्लीनिंग करी फिर सारे किचन की, उसके बाद से जाके मुझे टाइम मिला, फिर मैंने नहाया, कपड़े वॉश किए, फिर थोड़ी देर लेट गई थी, उसके बाद से फिर जो है फिर अपना और काम हो जाता है। तो अभी मैं किचन में आई हूँ, तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी, मैंने कट कर ली है, फ्राई करके बना रही हूँ, और दो आलू मैंने निकाल दिए थे, उसके मैं बना रही हूँ चिप्स ऐसे ही तेल में तल के। तो चलिए, मैंने सोचा कि वीडियो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो चलिए फिर दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से जो है आलू के चिप्स बनाती हूँ, और जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे देखो मैंने थाली में जो है पहले से जो है एक कॉटन कपड़ा बिछा के रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने लिए हैं बड़े आलू लंबे साइज के, जिससे जो है चिप्स लंबे लंबे निकलेंगे। लेकिन जो ये मशीन है ना हमारी पुरानी है, नई वाली मुझे नहीं मिल रही थी, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन फिर भी चलो मैं इसकी हेल्प से जो है कर लूँगी, क्योंकि मुझे नया वाला नहीं मिला। और आलू आप देख रहे हैं ना मेरा बार बार फिसल जा रहा था, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी इससे, ये काफ़ी पुराना वाला है तो मशीन जो है। तो चलिए फिर दो ही आलू का मैं यूज़ करूँगी। तो ये देखिए सारे जो चिप्स हैं मेरे वो बन चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ छोटे भी हैं कुछ बड़े भी हैं, क्योंकि मशीन की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ है। तो देखिए, और अब मैं जो है मैंने कपड़ा इसलिए पहले बिछा के रखा था क्योंकि अब जो है मैं दूसरे कपड़े की हेल्प से जितना भी जो मेरे आलू में गीलापन है मॉइस्चर है मैं उनको जो है हटा लूँगी, मतलब दूसरे कपड़े की हेल्प से उनको सारा सुखा लूँगी। आलू में थोड़ा सा भी गीलापन नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चर मतलब सारा निकल जाना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर सारे जो आलू के जो मॉइस्चर है वो निकाल लूँगी। तो ये देखिए मेरे आलू में से जो है सारा मॉइस्चर निकल गया है, मैंने अच्छे से निकाल लिया है। और दूसरी तरफ मैंने एक प्लेट में जो है टिश्यू पेपर रख दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका था, और मैं एक एक करके जो है आलू को तेल में डालूंगी, तो मतलब सारे एक साथ नहीं डालूंगी क्योंकि ये चिपक जाएंगे। तो ये देखिए सिंगल सिंगल करके मैं डालूंगी, जब ये चिप्स जो हैं गोल्डन हो जाएंगे तो मैं इन्हें निकाल दूंगी। और यहाँ पे देखिए मेरे चिप्स जो हैं गोल्डन हो चुके हैं, तो मैं अब इन्हें निकाल दूंगी कढ़ाई से। तो ये देखिए मेरे जो आलू के चिप्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, देखो कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। और अब जो है इनमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला और नमक डालूंगी, लाल मिर्च में नहीं डालूंगी क्योंकि लाल मिर्च अभी हमारे घर में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आजकल हम जो है हरी मिर्च का ही यूज़ कर रहे हैं। लाल मिर्च सूखी हुई है लेकिन अभी वो हमने मिक्सी में ग्राइंड नहीं की है, तो आजकल हमारी हरी मिर्च जब तक हमारे खेतों में तब तक हम हरी मिर्च का ही यूज़ करेंगे, और हरी मिर्च जो है काफ़ी अच्छी होती है हेल्थ के लिए। तो ये देखिए मैंने भिंडी और आलू दोनों फ्राई कर लिए हैं, और प्याज टमाटर मिर्च लहसुन ये भी मैंने सब रेडी कर लिया है। और तो चलिए अब मैं फटाफट से बनाती हूँ सब्जी, क्योंकि तेल मेरा गर्म हो रहा है, कढ़ाई मेरी गर्म हो रखी है। तो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो हमने चिप्स बनाए थे ना वो काफ़ी अच्छे हो रहे थे, और ये देखिए मम्मी के लिए रखे हुए हैं क्योंकि मम्मी गई है चक्की पर आटा पिसवाने। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।